ये और बात तेरे रूबरू नहीं गुजरा, मैं जिस अजाब से गुजरा तू नहीं गुजरा। उसने तुम्हें बताया नहीं कि वो किसके साथ था? से तो कह रहा था किसी दोस्त के साथ हूँ, मगर मुझे यकीन है वो किसी दोस्त के साथ नहीं, किसी लड़की के साथ। तुम्हें कैसे पता? वो बड़ा रंगीन मिजाज रहा है, किसी गर्लफ्रेंड के साथ होगा और क्या। ओ अच्छा, दिखने में लगता तो नहीं है। इसी का तो फायदा उठाता है वो। यार कल कुछ लेट आया था तो सोचा कि उसे कॉम्पेंसेट करने के लिए आज जल्दी आ जाऊं। हाँ यार, मैं बताना भूल गया था, वो आज एक पार्टी ने मिलने के लिए आना है। अच्छा, कितने बजे? तकरीबन 11 बजे के करीब। हाँ तो फिर अभी तो टाइम है। और बताओ समन कैसी है? समन ठीक है, मगर इस सुबह सुबह तुम्हें समन का कैसे ख्याल आ गया? ऐसे यार, वो सालिया सुबह नाश्ते पे पूछ रही थी, कह रही थी कि इतने दिन से मुलाकात नहीं हुई, चक्कर लगा रहा तुम दोनों कभी हमारी तरफ। हाँ किसी दिन आएंगे तुम्हारी तरफ। श्योर। रशीदा। जी खाला जी। आई जी जी। ये खाना किसने खाया है? वो जी सम्मन बाजी की दोस्तों ने। चली गई? अभी गई है थोड़ी देर पहले। और सम्मन? सो रही है कमरे में। ये सब बर्तन क्यों नहीं उठाए तुमने? नहीं, अगर मैं घर पे ना हूँ उसका ये मतलब नहीं कि तुम सारी चीजें इसी तरह छोड़ दो। नहीं नहीं खाला जी, मैं अभी उठाने ही आ रही थी। जैसे मेहमान चले जाए करे, सफाई वगैरह शुरू कर दिया करो। देखो जरा आशर। ईमान, मुझे मैसेज आया है, पीसी में ना एग्जीबिशन लगी कपड़ों की, चलोगी मेरे साथ? खाम खाए की फजूल खर्ची। लो, इसमें फजूल खर्चे लिए क्या बात है, स्टाइल की बात है। स्टाइल के ऊपर 10,000 रुपए खर्च करना बेवकूफी है समझ। अपनी अपनी सोच की बात है भाई, बंदा कमाता है इसलिए कि उससे वो चीजें खरीद सके जिससे उसे खुशी मिलती है। हाँ लेकिन चादर देखकर पांव फैलाने चाहिए। खाला बता रही थी कि फैसल पर अभी बहुत कर्जे बाकी हैं शादी और घर के सिलसिले में। समन तुम्हें एहतियात और बचत करनी चाहिए। खाला की तरह खाम खाम शोर मचाने की आदत हो गई है। मर्दों पे कर्जे होते हैं और उतर जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि औरतें फाकों पर उतर आएं। अरे फाकों की बात नहीं है समन, समझदारी की बात है। कल को तुम लोगों की फैमिली बढ़ जाएगी, खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर कर्जा कैसे पूरा होगा? बेहतर नहीं है कि ये होने से पहले ही तुम लोग अपना कर्जा पूरा कर लो, इस मुश्किल से बच जाओगे। जब फैसल को कर्जों की फिक्र नहीं है तो फिर मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं अच्छा छोड़ो सारी बातें, ये देखो मेरे नए जूते लिए, अच्छे हैं ना? हाँ। सिर्फ 3,000 के? राफिया तो हैरान हो गई थी, इतने सस्ते कैसे मिल गए तुम्हें? 3,000 बहुत रकम होती है सामान। एमन फिर शायद तुम्हें जूतों के रेट्स का पता नहीं है। हजारों दुकानें हैं इस शहर में जिनके जूते जेब पर डाका नहीं डालते।
आखिर में इन्होंने पैरों के नीचे ही होना है ना। मैं जाती हूँ, मजा आ रहा तो मेरी किसी चीज को अप्रिशिएट कर। मैंने तो फैसल से भी कई बार कहा है कि हमारे साथ चले, वो भी एंजॉय कर लेगा। नहीं आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तो तुम्हारा कर्ज भी उतारना है मैंने, और बिजनेस सेटल हो जाएगा तो फिर सैर सपाटा कर लेंगे हम। किसी बातें करते हो, कर्ज की बात कहाँ से ले आए बीच में? मैंने तुमसे कहा है कुछ इस बारे में? आदत बन गई तुम्हारी मुझे अपने घर में बिठा कर शर्मिंदा करने की। अरे नहीं बेटा, फैसल ठीक कह रहा है। देखो ये तो तुम्हारी मेहरबानी कि तुम मुसीबत के वक्त काम आए, और आज तक अपनी रकम का मुतालबा नहीं किया, लेकिन कर्ज तो कर्ज ही होता है। आप भी गैरों वाली बातें कर रहे हैं आंटी, क्या मैं आपका बेटा नहीं? अरे नहीं, तुम बिल्कुल मेरे बेटे हो बेटा। आज़र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आंटी, हम लोग तो हर साल ही छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं। इस दफा ये लोग हमारे साथ होंगे तो हम बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा। अच्छा, कहाँ कहाँ गए अभी तक आप? वैसे तो आज़र ने तकरीबन मुझे और बच्चों को सारी दुनिया ही घुमा दी है, लेकिन लास्ट सीजन हम स्विट्जरलैंड गए थे ना। हाँ, स्विट्जरलैंड, वाह। वैसे फैसल, अगर तुम नहीं जा रहे हो तो समन को हमारे साथ भेज दो, कम से कम वो एंजॉय कर लेगी। अरे नहीं बेटा, वो क्या करेगी अकेले जाके, इंशाल्लाह मौका मिलेगा, वक्त होगा तो फैसल के साथ ही जाएगी। आंटी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, उसे वहाँ बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा, और फिर सालिया के साथ उसकी इतनी दोस्ती है, अच्छी कंपनी रहेगी लोगों की। अब आंटी ऐसे करते हैं कि समन का वीजा अप्लाई कर देते हैं, लग गया तो चली जाएंगी हमारे साथ। अब आप लोग प्लीज अभी जाए, घूम कर आए, एंजॉय करके आए, बाद में देखेंगे हम लोग। अरे कोई कबाब आप तो लाओ इनके लिए। क्या हर्षदा, अगर हम उनके साथ चले जाते हॉलीडेज पर? आज़र ने खुद कहा था। समझ, अभी हम हॉलीडेज अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आज़र कैसे कर सकता है? तुम दोनों का सेम बिजनेस है। उसकी बहुत सेविंग्स है, उसकी अपनी ज़मीन है, अपने मकानात हैं जिसका किराया था। और वैसे भी अभी मैंने शादी का कर्ज उतारना है आज़र को। तो आज़र तुमसे कौन सा फिलहाल मांग रहा है? मांगे या ना मांगे, वापस तो करना है ना। मैं कौन सा रोज रोज जाने की बात कर रही हूँ, सिर्फ इस ट्रिप पर जाने की बात कर रही हूँ। देखो समझ, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, मेरा बिजनेस एस्टैब्लिश होने का, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें ले जाऊँगा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। अभी लेकर नहीं जा रहे, बाद में लेकर जाओगे। क्यों, मुझ पे एतबार नहीं है तुम्हें? नहीं है। नाश्ता तो कर लेते बेटा। नहीं अभी मूड नहीं हो रहा मेरा। क्यों, तबीयत तो ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है। अच्छा, एक स्लाइस ही खा लेते। नहीं बस चाय का दिल चाह रहा है। अरे बेटा अंडा तो खाते जाओ ना।
नहीं अम्मी जी, मुझे बस मैं लेट हो गया। खुदा सब्जी के दाम तो आसमान से बातें कर रहे हैं। हाय, बाजी को उठा दिया? नहीं खाला जी, वो पहले से उठी हुई है। अच्छा, नाश्ता कर लिया? नहीं, कह रही थी मैं नाश्ता नहीं करूंगी, मुझे भूख नहीं लग रही। बात है, फैसल ने भी आज नाश्ते नहीं किया, समन ने भी नहीं। वैसे खाला जी एक बात बताऊं, आज समन बीबी का मूड बहुत खराब लग रहा है मुझे। क्यों? मुझे क्या पता, उनकी नाराजगी का पता थोड़ी चलता है। अच्छा तुम किचन में जाओ, सब्जियां धो दो, फिर आके ये कपड़े उठा लेना धोने के लिए। अभी लाई। बेटा समन कहीं जा रही हो तुम? खाना मैं अपनी दोस्त की तरफ से आ रही हूँ। लेकिन तुमने तो कुछ समय से खाया पिया भी नहीं। मुझे भूख नहीं है। अब कब तक आओगे वापस? जल्दी आ जाऊंगी। नहीं आज़र, ये ठीक नहीं है। क्यों यार, इसमें क्या गलत बात है? देखो जब तक मैं तुम्हारा पुराना कर्जा नहीं उतार देता, मैं मजीद पैसे तुमसे नहीं ले सकता। और वैसे भी मुझे पैसों की जरूरत नहीं है यार। भाई समन की ख्वाहिश है कि हम सबको एक साथ चलना चाहिए, तो इसमें आखिर हर्ज क्या है? तो ठीक है, मैं उसे कहीं घुमाने ले जाऊंगा जहां मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। किसी बात कर, घर वाली बात है। घर वाली बात है, जब भी तो बेतकल्लुफ होके कह रहा हूँ यार। पहले ही तुम्हारा बहुत एहसान है मुझ पर यार, मैं मजीद इस बोझ में नहीं दब सकता। तुम गैरों वाली बात कर रहे हो। गैरों वाली बात नहीं है, असूलों वाली बात है। और अगर तुम समन के सामने इस ट्रिप का जिक्र ना करते, ऑफर ना देते, तो शायद उसको कभी ये ख्याल भी ना आता। देखो तुम मुझे गलत मत समझो। नहीं यार, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा, वैसी बात कर रहा हूँ। एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी ऑफर का यार, होप यू अंडरस्टैंड। इट्स ओके। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है मैंने बहुत जल्दबाजी की है फैसल से शादी करके। उसे सोच समझ के शादी करनी चाहिए थी। क्यों, तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? अब तुम देखो ना, आज ने अपनी बीवी को लेके स्पेन जा रहा है, उसने हमें भी इनवाइट किया और ये जनाबे के मान ही नहीं रहे। क्यों? वो ही रो ना, कर्ज है सर पे, पहले वो उतारूंगा फिर इस तरह की ट्रिप्स। तो समन ठीक ही तो सोच रहे हो, पहले ही उन्होंने अपने घर। अब तुम उसके लिए प्लीज इतना लंबा भाषण ना देने बैठ जाना। जिंदगी की हकीकत है ये समन। एक ट्रिप से क्या फर्क पड़ता है, क्या कयामत आ जाएगी। और पता है आज पैसे भी नहीं मांगा। कोई किसी से पैसे ना मांगे ये उसका बड़ापन है, और जो वक्त पर कर्ज वापस दे दे ये तो उसके एहसास जिम्मेदारी है समान। हाँ, सारी एहसास जिम्मेदारी कर्ज तक ही है। बीवी की जरूरियात, उसकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना कोई जिम्मेदारी ना उसकी। क्या मतलब, इतना ख्याल तो रखते हैं वो तुम्हारा, जरूरत से ज्यादा ख्याल रखते हैं। बकौल खाला की तो बात ना करो, खाला ने तो अपने बेटे का दिमाग खराब कर दिया पटिया पढ़ा पढ़ा के। पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है खाला को, भांजी और खाला के रिश्ते का कोई ख्याल ही नहीं, कोई लिहाज ही नहीं उन्हें। ऐसा तो मत कहो समान, इतनी अच्छी है वो, कितना काम आई है वो हमारे। क्या काम आई है, अपने बेटे की मुझसे शादी कर दी ये काम आई है? और बेटा वो जो किसी काम का ही नहीं है,
काम आई है। खुदा का खौफ करो, इतनी नाशुक्री क्यों हो रही हो? जो चीजें हैं उसकी कदर करनी चाहिए तुम्हें। कदर तो उन्हें मेरी करनी चाहिए कि मेरे जैसी बहू और बीवी मिली उन्हें। अब प्लीज अम्मी के सामने ये मत कह देना। पागल हूँ मैं, दूसरी सास है वो मेरी, शौक है उन्हें मेरी इंसल्ट करने का, खुशी होती है उन्हें मेरी तस्लीम करके। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी आ गया? हाँ मी, वो फैक्ट्री में कोई ज्यादा काम ही नहीं था। समन कहाँ है? आफिया की तरफ गई हुई है। अच्छा, कब तक आएगी? पता नहीं, थोड़ी देरी पहले गई थी। ओके। सुनो जी, तुम लोगों का झगड़ा हुआ है क्या? क्यों? दो चारों से कुछ मूड ऑफ जा रहा है उसका, खा पी नहीं रही ठीक से, सीधे मुंह बात नहीं कर रही। ठीक हो जाएगी अम्मी। हुआ क्या? जिद कर रही है आज़र और भाभी के साथ में उसको बाहर घूमने के लिए भेज दूँ। कैसे भेज सकता हूँ मैं? बेवकूफ की बात है भाई, उसे खुद एहसास होना चाहिए कि मियाँ के बगैर अकेले वो क्या करेगी उन लोगों के साथ। हाँ, मगर आप कुछ मत कहिएगा, बिला वजह झगड़ा बढ़ जाएगा। मैं क्यों कुछ कहूँगी, लेकिन मुझे उस दिन आज़र की बात भी नहीं अच्छी लगी, जो वो कह रहा था कि समन को उन लोगों के साथ भेज दें। भाई भला ऐसा थोड़ी होता है। मैंने उसे मना कर दिया अम्मी, 3-4 दिन जिद करेगी ठीक हो जाएगी। तुमने ही उसकी जिदें मान मान के ना उसे सर पर चढ़ा के रखा है। अगर वो तंग कर रही है तुमको तो ठीक कर रही है, इसीलिए मैं कह रही थी पहले दिन से एक तरीका रखो, इस तरह घर थोड़ी चलते हैं। लेकिन तुम्हें तो शौक था उसके नाज नखरे उठाने का, उसके लाड करने का। ठीक है ना अम्मी, भूख लग रही है अम्मी, मुझे खाना दे दे। चलो मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। 17 की बुकिंग करवाई है आज़र ने। अच्छा, वापसी कब है? 20 को। अल्लाह करे आपका सफर बहुत अच्छा रहे। तुम लोगों को भी कहा था साथ चलते, बहुत मजा आता, लेकिन तुम्हारे मियाँ तो माने ही नहीं। फैसल ऐसा ही है, लेकिन एक तरह से ठीक भी है। समन, मर्दों पे जब कर्जा होना तो फिर बहुत बड़ी टेंशन रखती है। ऐसा ही होगा। अच्छा, मैंने एक खास काम के लिए तुम्हें फोन किया था। खास बात? आंटी ने एमन के लिए किसी अच्छे रिश्ते का कहा था, तो उस सिलसिले में तुमसे बात करनी थी। तो अच्छा, मेरे मामू हैं, उनके 2 बेटे हैं, अमेरिका में रहते हैं, एक बेटा डॉक्टर है। मैं सिर्फ ये कह रही थी कि मामू चाहते हैं कि लड़का लड़की एक दफा आपस में मिल लें। देखो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खाते पीते और रुपए पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है, बस ऐसी सुलझी हुई सलीका मंद पढ़ी लिखी लड़की उनको चाहिए जैसी है। मैंने सोचा पहले तुमसे बात कर लूँ कि अगर आंटी से ये बात की कि लड़का लड़की आपस में मिलने शादी से पहले, तो वो कहीं बुरा ना मान जाए। ठीक किया आपने मुझसे बात कर ली, ठीक है। देखो लड़का लड़की तो वैसे भी आजकल के जमाने में मिल ही लेते हैं, तुम ऐसे करो एमन को किसी दिन मेरी तरफ ले आओ, तो मैं फरहान को बुला लेती हूँ, दोनों आपस में मिल लेंगे। अगर तो एक दूसरे को पसंद करते हैं तो फिर बड़ों को इन्वॉल्व कर लेंगे। मैं एमन से बात करूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो फिर मुझे बताना। ओके, वापस। समन, कल मैं जब फैक्ट्री से आ जाऊंगा ना तो शॉपिंग पे चलेंगे। प्लीज अपना मूड ठीक कर लो ना, कब तक नाराज रहोगे मुझसे? तुम्हें मेरे नाराज होने और ना होने की क्या परवाह है? परवाह है यार, मुझे नहीं होगी तो फिर किसे परवाह होगी? देखा है मैंने तुम्हें मेरी कितनी परवाह है।
देखो जब मेरा काम एस्टेब्लिश हो जाएगा ना तो मैं तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाऊंगा। हम हर साल बाहर जाया करेंगे। अभी की बात हो रही है, कल की कल देखी जाएगी। चलो अच्छा मैं ऐसा करता हूं, मैं तुम्हें मरी घुमाने के लिए ले जाता हूं। मरी और स्पेन में बड़ा फर्क होता है। मरी लेकर जाऊंगा। ओके मैं वादा करता हूं कि तुम्हें अगले साल बाहर घुमाने ले जाऊंगा। यूरोप नहीं तो फार ईस्ट तो जरूर जाएंगे। अगला साल जब आएगा ना तभी मुझसे बात करना। समन प्लीज अपना मूड ठीक कर लो ना, मुझसे तुम्हारी ये नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। अच्छा सो जाओ। वैसे मैं समझता हूँ तुम्हें समन से बात करने से पहले मुझसे बात करनी चाहिए थी। क्यों? आप क्या मुझे मना करते? शायद कर ही देता। क्यों? भाई समन की तो आप 24 घंटे तारीफ करते रहते, तो एमन भी तो समन की बहन है, वो भी तो अच्छी होगी ना? हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझसे पूछ लेना चाहिए था तुम्हें। देखो ये ठीक है कि एमन समन की बहन है, लेकिन अगर एमन इतनी ही अच्छी होती तो फैसल उससे शादी से कभी इनकार ना करता। इसलिए कि दूसरे मर्दों की तरह फैसल भाई भी अकल के अंधे हैं, सिर्फ उसकी खूबसूरती पर ही फिदा हो गए। वरना एमन बहुत अच्छी लड़की है, मैं उससे मिल चुकी हूँ, बल्कि समन से कहीं ज्यादा अच्छी है। तुम भी टिपिकल औरतों की तरह दूसरी औरत की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। तारीफ बर्दाश्त करने का क्या है? अब वो ऐसी भी हूर पर ही नहीं है कि मैं 24 घंटे बैठ के उसके कसीदे ही पढ़ती रहूं। जाओ प्लीज चाय लेकर आओ। बस निकाह करेंगे वो, और फिर साल 6 माह में पेपर्स बन जाएंगे तो आकर रुखसत करवा लेंगे। जहेज वगैरह की जरूरत नहीं है उन्हें। जब पहले बेटे की शादी की थी तो तब भी जहेज नहीं दिया था। पीते लोग हैं, रुपए पैसे की तो परवाह ही नहीं करते, बस शराफत की कदर करते हैं। सुगर सलीका मन पढ़ी लिखी लड़की चाहिए उन्हें। अरे मैं तो इंतजार कर रही थी तुम्हारे फोन का कि तुम फोन करके मुझे बताओगी। नहीं आया फोन तो मैंने सोचा खुद ही कर लो भाई। हाँ वो अगर आपकी कॉल ना आती तो मैं आपको कॉल करने वाली थी। वो इतने दिन से मैं कुछ कामों में मसरूफ थी तो इसलिए आपसे बात नहीं हो सकी। अच्छा भाई बताओ एमन ने क्या कहा है? मामू के 2-3 दफा फोन आ चुके हैं। हाँ मैंने बात की है उससे, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? बस वो बाहर शादी नहीं करना चाह रही, यहीं पाकिस्तान में बल्कि कराची में शादी करना चाहती है। अरे तो इसमें क्या मसला है? मामू की पूरी फैमिली साल में 1 दफा तो जरूर ही आती है पाकिस्तान, और मामू तो साल में 2-3 दफा चक्कर लगाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम एमन की मर्जी के खिलाफ तो कुछ नहीं कर सकते ना। अच्छा
बड़ी मायूसी हुई है मुझे। रिश्ता तो बहुत अच्छा था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं हो सकती। मर्जी होगी तो शायद कुछ हो जाए, अदरवाइज मैं तो कुछ नहीं कह सकती। कह दो तुम ठीक रही हो। चलो फिर मैं मामू को मना कर देती हूँ। ओके खुदा हाफिज़ जी। समन बेटा। जी खाला। जरा मेरी बात सुनना। जी सालिया का फोन आया था। सालिया का? अच्छा क्यों? कह रही थी कि उसने तुमसे बात की थी किसी रिश्ते के बारे में एमन के लिए, और एमन ने इनकार कर दिया। भला एमन ने इतने अच्छे रिश्ते से क्यों इनकार किया? सालिया तो बड़ी तारीफ कर रही थी उन लोगों की। खाला उसकी तो आदत है तारीफ करने की, और फिर उसका खानदान है, बुराई थोड़ी ना करेगी वो। देखने में तो कोई हर्ज नहीं था ना, जरूरी तो नहीं कि हम वहीं बात पक्की करते, लेकिन देखने में क्या हर्ज था। मेरे ख्याल में तुम्हारी अम्मी और एमन से बात करूंगी मैं। खाला बाहर का रिश्ता है, 100 चक्कर हो सकते हैं। पता बाहर के लड़के पहले से शादी करके बैठे होते हैं। सवालिया के मामू का बेटा है, वो लोग अपनी पहली बहू भी यहीं से लेकर गए थे, फिर हम लोग तहकीक करवा सकते हैं। और ऊपर से सालिया कह रही थी लड़का शादी से पहले एमन से मिलेगा, अगर एमन पसंद आई तो शादी करेगा, ना पसंद आई तो नहीं करेगा। अब आप खुद सोचिए अभी से लड़के की इतनी डिमांड से बाद में क्या करेगा वो। फिर भी मैं कहती हूँ एक नजर देख लेना चाहिए। चले जैसे आपकी मर्जी। इसलिए मैंने तो सालिया को मना कर दिया। अब ये मुनासिब थोड़ी ना लगता है कि शादी से पहले लड़का लड़की को देखे और पसंद ना पसंद करे। अमेरिका तो नहीं है ना। ठीक कह रही हो तुम। अब खाला तुमसे पूछे तो तुम खुद ही कह देना। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि खाला को सालिया में क्या दिखता है, खामखा में इतनी तारीफें करती रहती हैं उनकी। इतनी तेज औरत है ना, मैं ही जानती हूँ उसे। हाजिर बेचारा तो रोना रोता रहता है फैसल के सामने उसका। मैं मिली भी हूँ उससे, मुझे बुरी तो नहीं लगी, काफी सीधी सादी सिंपल सी है। इतनी भी सीधी सादी और सिंपल नहीं है, शक्ल से लगती है और उसकी शक्ल पे मत जाना। जरा खुद सोचो, इतने ही अगर अच्छा रिश्ता है तो अपने खानदान में कराती, भरा पड़ा उसका खानदान। हम जैसे मोहल्ले में रहने वाले लोगों का ख्याल कहाँ से आ गया उसको, कोई ना कोई चक्कर तो है ना। हाँ हो सकता है ऐसा ही है। अब खाला तुमसे कहे तो तुम इनकार कर देना। मैंने तो कह दिया भाई कि मेरी बहन तुम लोगों के खानदान में नहीं करेगी शादी। जो तुम्हारा पता है मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारे मिजाज को जानती हूँ। अब शादी के नाम पे किसी कुएं में तो नहीं धकेलेंगे ना तुम्हें। तुमने भी समन को कोई तरबियत नहीं दी। मजाल है कि जो एक अच्छी बात सिखाई है उसे, लाड प्यार से बस सत्यानाश कर दिया। बस हापा यही तो गलती है जिसके लिए पछता रही हूं मैं। क्या करूं, औलाद जब जवान हो जाती है तो कहां सुनती है मां बाप की। पता तो मुझे था कि वो बेवकूफ है, लेकिन इतनी बेवकूफ है ये मुझे अंदाजा नहीं था। बस हापा मैं तो दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जल्दी से उसे औलाद दे दे। शायद औलाद की जिम्मेदारी से ही उसे अकल आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो भाई। सुनो, तुमसे एमन के रिश्ते के बारे में पूछने आई थी मैं, उसने इनकार क्यों कर दिया? जी रिश्ते से क्यों इनकार किया उसने भाई? आपा किसी रिश्ते का जिक्र कर रही थी। तुमने
खुद ब खुद इनकार कर दिया समन से, मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। मैंने तो इनकार नहीं किया अम्मी, समन ने किया था और फिर बाद में बताया था मुझे। समन ने क्यों इनकार किया? कह रही थी कि सालिया अच्छी नहीं है और लड़के के बड़े शरारत हैं, वो मिलना चाहता है, देखना चाहता है, फिर कहीं जाके फैसला करेगा। हाँ पर आपा तो कह रही थी कि उनकी बात हुई है सालिया से, अब लड़के की अम्मी मिलना चाहती हैं और शरारत भी उनकी कोई नहीं है, बस वो एक बार लड़के से लड़की को मिलाना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें ये बात पसंद नहीं है तो उन्हें कोई एतराज नहीं। पता नहीं, वो कह रही थी कि बाहर का रिश्ता है, बड़े मसाइल होंगे। हाँ ये एक ऐसी बात जरूर है जिस पे मैं भी सोच में पड़ गई हूँ, पर क्या करें, अच्छा रिश्ता भी तो नहीं मिलता ना कोई। खाला ये सब पुरानी बातें हो गई हैं, अब तो बाहर भी बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते होते हैं, आप एक बार देखें तो। लेकिन बेटा वो समन भी कह रही थी कि सालेहा अच्छी नहीं है और सालेहा के खानदान वाले फिर। पर खाला आप तो कहती हैं कि आलिया खाला सालेह की बहुत तारीफ करती हैं। हाँ वो तो तारीफ करती हैं। तो बस खाला फिर आप उनकी बात सुने और बिस्मिल्लाह करें, आप लड़की वालों को आने तो दें, वो कोई जबरदस्ती तो नहीं करेगा ना रिश्ते में। हाँ कहती तो तुम ठीक हो, मैं फिर बात करती हूँ समन से। समन से बात की ना तो हो गया रिश्ता, आप डायरेक्ट आलिया खाला से कहें कि वो बात करें। समन अभी इतनी समझदार नहीं है, इस मामले में उसके मशवरे पर मत चलें। चलो आपस ही बात कर लेती हूँ। आफिया आंटी को लेकर हमारे घर आइए, एक बार उनसे मिल लें, अगर तो आपको वो लोग पसंद आएंगे तो ठीक है, आप उन्हें इनवाइट कर लीजिएगा। बेटा मैंने बात तो की आफिया से, बस वो कुछ झिझक रही है। इसमें झिझक की क्या बात है, और वैसे भी मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है, आप यकीन करें रिश्तों की कमी नहीं है उन्हें। लेकिन मैंने आपकी और एमन की इतनी तारीफ की है मामू मामानी से, कह रहे हैं एक बार मिलवा दें आप। चलो ठीक है, मैं कल उसके घर जाऊंगी, समझाऊंगी उसे। अरे अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं आंटी से अभी तुम्हारे ही पूछ रही थी। आज अचानक आ गई? हाँ वो एक्चुअली शॉपिंग के लिए निकली थी तो सोचा यहाँ का चक्कर लगा लूँ, मेरा अपना घर है ना, मैं किसी वक्त भी आ सकती हूँ, क्यों आंटी? बिल्कुल बेटा, सौ बिस्मिल्लाह, तुम्हारा अपना घर है। बेटा जरा जाके देखना उसको, मैंने चाय को कहा था रशीदा से, मजा आ ले वो बात माने किसी की, मैं देखती सुनती नहीं हो। आंटी वो आप समन से अभी बात मत कीजिएगा, मेरे यहाँ आने का मकसद वो, पहले आप आफिया आंटी से बात कर ले तो। हाँ ठीक है, मैं समन से बात नहीं करूँगी। हाँ हाँ बहुत अच्छे लोग हैं, अम्मी और खाला तो पहले मिल आए थे लड़के से और आज उनके वालदेन आए थे, सालेहा भी आई थी साथ में, पसंद करके गए हैं, रस्मों का कह रहे थे। देखा मैं ना कहती थी कि देखे बगैर रिश्ते से इनकार मत करो। शुक्र है अच्छे लोग मिल गए। बस अब तुम लोग जल्दी से रस्म कर दो। हाँ नौरीन ठीक कह रही हो तुम, वैसे वो लोग निकाह का कह रहे थे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, लड़का तुम्हारे पेपर्स बनवा लेगा ना। अम्मी और खाला कह रही हैं कि फैसल से जरा पता करवा लें कि लड़का कैसा है। अब इसमें ज्यादा वक्त जाया करने मत बैठ जाना, अगर हजरत साले गारंटी दे रहे हैं तो फिर ठीक है ना। सालिया तो बहुत गारंटी दे रही है और वैसे लोग देखने में भी बहुत शरीफ है। तो बस फिर आंटी से बोलो बिस्मिल्लाह कर दें। चलो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करे। अच्छा नौरीन तुम आई क्यों नहीं, इतने दिन हो गए तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। हेमंत को आज पसंद करके गए हैं वो लोग। हाँ वो मुझसे आजर ने जिक्र किया था चंद रोज पहले, फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं की उसने।
असल में आफिया जरा घबरा रही थी, बाहर का रिश्ता है, लोग जाने हुए नहीं थे, लेकिन मुझे तो अच्छे लगे लोग। नहीं अम्मी, सोहलिया भाभी की फैमिली बड़ी अच्छी है, काफी पढ़ी लिखी फैमिली है। बेटा अब तुम यूँ करो कि उस लड़के के बारे में थोड़ा सा पता करवा लो। ठीक है अम्मी, मैं कल ही हाजिर से उनका पता लेता हूँ, लड़के के बारे में मालूम करवाता हूँ। मेरे एक दो दोस्त हैं जो बहुत अच्छी तरह जानते हैं उनको, उनसे पता करवाता हूँ। हाँ ये कर दो, फिर रिश्ता तय कर देते हैं। उन लोगों को भी जल्दी अगले महीने वापस जा रहे हैं ना। ठीक है चल। जब मैंने जो आप लोगों को इस रिश्ते से मना किया था तो क्या जरूरत थी उन्हें घर बुलाने की और उनके घर जाने की? आपा मजबूर कर रही थी। ऐसे मुझे तो वो लोग बड़े अच्छे लगे हैं, लड़का भी बहुत अच्छा है, बहुत सुलझा हुआ है। अम्मी आपको लोगों का नहीं पता, नहीं है पहचान आपको लोगों की। तुमसे तो ज्यादा ही पहचान है मुझे। खैर लेकिन एक बात मुझे बताओ, जब हमें कोई एतराज नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इस रिश्ते से? मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आप लोग इतना इसरार कर रहे हैं तो फिर बता देती हूँ। फैसल नहीं चाहते ये रिश्ता हो। क्या फैसल? फैसल को क्या एतराज है? नहीं आप समझती क्यों नहीं है, फैसल के पार्टनर के घर रिश्ता करेंगे तो कल कला को उसके बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई तो वो क्या कहेगा? वो तो चुप कर जाएगा यमन के मुंह पे। ये नासर तो बहुत अच्छा लड़का है, तुम तो खुद उसकी इतनी तारीफें करती हो। आज अच्छा है, कल पता नहीं अच्छा हो या ना हो। बस फैसल नहीं चाहते यहाँ रिश्ता हो, वो तो मुझे रोज कहते अपने घर वालों को मना करो। अच्छा मैं आपा से कहूंगी, वो समझाएंगी फैसल को फिर। और नहीं अम्मी कोई जरूरत नहीं, हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। अम्मी ईमन मेरी बहन है, मुझे परवाह है इसकी। कल कला को कोई बात होगी इस रिश्ते की वजह से तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी, और वैसे भी फैसल से मैंने कहा है इसके रिश्ते के लिए, वो ढूंढ रहे हैं, कुछ अच्छा हो जाएगा, आप ना फिक्र करें। खाला बता रही थी कि ईमेल के लिए रिश्ता है, तुमने मुझसे जिक्र ही नहीं किया। तुमसे किसे कहा? अम्मी ने बताया, लड़के के बारे में पता करने को कहा है मुझसे। आज़र बता रहा था कि लड़का अच्छा है तो फिर यकीनन अच्छा होगा वो, फिर भी एक दो लोगों से मालूम करवाऊंगा। नहीं उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? ईमन वहां शादी नहीं करना चाहती। क्यों नहीं करना चाहती? बस वो बाहर शादी नहीं करना चाहती। क्या हो गया उसको? आजकल सफर बहुत आसान हो गया है, एक पल में आप वापस आ जाते हैं और एक पल में चले भी जाते हैं। लड़का भी अच्छा है, शरीफ खानदान है, पढ़ा लिखा है, क्वालिफाइड है, और क्या चाहिए? वो सब तो ठीक है, अब अगर ईमन की मर्जी नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, बल्कि तुम खाला से खुद ही कोई बहाना कर देना। मैं क्या बहाना करूंगा? कह देना कि तुमने चाहते कि यहाँ शादी हो। मुसलसल जो मेरे साथ हुई।